हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वाद का खजाना। सो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकोड़ा। सो आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी ब्रेड पकोड़ा रेसिपी। सो बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। सो हमने ये आलू उबाल के तैयार कर लिए हैं। सो इसके बाद हम इन आलूओं को मैश करेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें सारे मिर्च मसाले वगैरह डालेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे मसाले ले लिए हैं जो कि हम बेसन है, जो बेसन के पेस्ट में हम ये सारे मसाले यूज़ करेंगे। और जिसमें मैंने मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च है और 4 चम्मच नमक है और 1 चम्मच हल्दी है। तो बाकी आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार आप मिर्च मसाले बेसन के पेस्ट में डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पकोड़े बनाने के लिए हम इसमें बाउल में 4 चम्मच बेसन डालेंगे। तो हमने ये 4 चम्मच बेसन ले लिया है। तो फ्रेंड्स, 4 चम्मच बेसन के साथ हम 1 चम्मच इसमें सूजी डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, हम सूजी इसमें इसलिए मैंने इसमें सूजी इसलिए डाली है ताकि जो पकोड़े होते हैं उसमें ताकि थोड़ा क्रिस्पीपन अच्छे से आ जाए, इस वजह से मैंने इसमें 1 चम्मच सूजी मिलाई। तो फ्रेंड्स, बेसन और सूजी मिलाने के बाद जो मैंने ये इसके लिए मसाले तैयार किए थे, अब मैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, देख सकते हैं। तो हमने इसमें सारे मिर्च मसाले और सूजी हमने अच्छे से सारा इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसे इसमें पानी मिला के इसका पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको बड़े बर्तन में डालेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इस बाउल में डाला था। बाकी हम इसको एक बड़े बर्तन में सारे डाल लेंगे इसको और इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। तो ये मैंने बड़े बर्तन में इसको डाल लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के और इसका पेस्ट तैयार करूँगी। तो अभी हमें इसमें धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ये जैसे मैंने डाल दिया है और अब हमें इसे मैश करना है। ये आप देख सकते हैं, इसको हमें अच्छे से मैश करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट है। तो अभी इसको थोड़ा और पतला करेंगे। ये देख सकते हैं, इसमें और पानी हमें डालना है और हमें इसे अच्छे से मिला देना है। और इस पेस्ट को हम पहले ही बना के रेडी कर के और साइड में रख देंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मैंने इसमें बहुत ही सिंपल मसालों का यूज़ करा है। बाकी आप अपनी साइड से और भी मसाले ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का पेस्ट बनाना है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने ये ब्रेड कट कर लिए हैं ट्रायंगल शेप में। तो हमें ऐसे सारी ब्रेड को कट करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मसाला है, ये अलग मसाला है। वो जो हमारा पहले वाला जो मसाला था वो हमारा बेसन के पेस्ट में डालने के लिए था, और ये वाले मसाले हम डालेंगे आलू की, जो हम आलू को जो मैश करेंगे हम, तो इसको मैश करते टाइम हम इन मसालों का यूज़ करेंगे। तो ये मैंने इसमें मसाले लिए हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च है और ये 4 चम्मच नमक है, 4 चम्मच हरा धनिया है और ये 2 चम्मच गरम मसाला है। तो इन मसालों को हम आलू के साथ डाल के और इनको अच्छे से मैश हमें कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आलू को हम एक बड़े बर्तन में ले लेंगे ताकि हम इन्हें अच्छे से और कंफर्टेबल तरीके से मैश कर पाएँ। तो मेरे पास ये आलू को मैश करने के लिए ये ब्लेंडर है। अगर आपके पास ये ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से मैश कर सकते हैं। तो मैं अभी इनको मैश करना, देखो अच्छे से इसे मैश हो रहे हैं। तो मैं अभी इसको आलू को अच्छे से मैश कर दूँगी।
तो हमें अच्छे से आलू को मैश कर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से आलू मैश हो चुके हैं। और जो मैंने आलूओं के लिए मसाले लिए थे, हमें ये सारे मसाले इसमें डाल देना है। तो देखिए, हमें इसको ये हमने डाल दिए हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो मैंने फ्रेंड्स इसमें बेसिक मसालों का यूज़ किया है, ज़्यादा कोई अलग से मसाले नहीं डाले हैं। आप घरेलू मसाले जो कि रोज़मर्रा की सब्जियों में अवेलेबल होते हैं, तो हम इससे ही अपना ब्रेड पकोड़े वगैरह बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ स्पेशल मसाले इसमें नहीं डाले हैं। तो इन मसालों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो आलू की पिट्ठी है, ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके मसाले अच्छे से मिला लिए हैं, मैश कर लिए हैं इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमें ब्रेड लेनी है और इसमें हमें हाथ से अच्छे से आलू को इस तरीके से हमें इसमें भरना है। देख सकते हैं, आराम से हल्के हाथों से इसको अच्छे से इसको हमें भरना है। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से भर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ब्रेड लेके और इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे से इसको रख देना है, यहाँ पे तैयार हमें कर करके रख देना है। ठीक है, फिर से हम ब्रेड लेंगे और इसको ऐसे ही एक एक को अच्छे से भर भर के हमें तैयार करके रखना है, फिर हम इसको तलने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें अब मैं तेल को गरम कर रही हूँ धीमे धीमे, मतलब स्लो गैस पे आपको ऑयल को अच्छे से गरम करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें ये हमारा बेसन है, तो इसमें हमें मतलब ब्रेड का जो रेडी है ये, तो इसको हमें इसमें टैप कर लेना है। और अब हमें ये हमारा तेल रेडी हो चुका है, तो इसमें हमें इस तरीके से ये डाल देना है। तो इसमें हमें ये इस तरीके से डुबा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हमें आराम से स्लो गैस पे पकाना है ताकि हमारा बेसन है जो कच्चा ना रहे, और इसको अच्छे से बिल्कुल लाइट ब्राउन करने तक हमें इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पक रहा है और ये बेहद ही टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमें ये आलू से भरी हुई ब्रेड हमें लेनी है और ये हमारा बेसन का पेस्ट है, इसमें हमें इसे अच्छे से इस तरीके से डुबाना है। ठीक है, ताकि अच्छे से इसमें बेसन है जो लग जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी तरफ से इसमें अच्छे से बेसन लग गया है और अभी हम इसको तेल में डाल देंगे। ठीक है, तो आराम से हमें इसमें तेल में डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये हमने ये तेल में डाल दिया है और हमें इसे स्लो गैस पे पकाना है। ठीक है, हमें इसे स्लो गैस में पकाना है ताकि हमारा बेसन है जो कच्चा ना रहे। देख सकते हैं, लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है, अच्छे से पकाना है। और ध्यान रखें इसको स्लो गैस पे, मतलब बिल्कुल थोड़ी मीडियम पे रखें और इसको अच्छे से पकाएं। लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े कितने अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं और ये हमारे बन चुके हैं, जो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इनका कलर आया है। तो हमें इस तरीके से इनको पकाना है। ये देखिए आप, तो एक एक करके हमें इन्हें बना बना के तैयार करना है, फिर आप स्वादिष्ट पकोड़ों का आनंद ले सकते हैं। तो बनने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं और हमने इन्हें सर्व कर लिया है। तो आप इन पकोड़ों को केचप के साथ और ग्रीन चटनी बना के आनंद ले सकते हैं और ये बेहद ही टेस्टी बने हैं, आप देख सकते हैं।
और बहुत टेस्टी। और एक बात बताना मैं आपको भूल गई थी, जब आप पकोड़े तल रहे हो तो उस पकोड़े तलने के बाद आप प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा लें, अच्छे से टिश्यू पेपर लगा लें।